नमस्कार, फास्टर प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार, आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज़। जी हां, आप सभी को पता है कि हम लोग विधानसभा चुनाव को कवरेज कर रहे हैं, प्रत्याशियों से मिलने का काम कर रहे हैं, पार्टी के एजेंडे को जानने के प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे चैनल से और हमसे मुलाकात हुई है एक ऐसे महान विभूति से जो जनसंघ से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी को अपना बहुमूल्य समय दिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हरिनाथ भाई जी, जो जनसंघ पार्टी से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी में अपना बहुमूल्य समय देते रहे। और बता दें कि ये क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व क्षेत्रीय भाजपा उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इनके बारे में अगर जितना ही बात किया जाए उतना ही कम होगा, क्योंकि इन्होंने जिस जिस क्षेत्र में अपनी पांव को रखा उस क्षेत्र में बुलंदी को हासिल किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म जगत से लेकर इस राजनीतिक क्षेत्र और कराटे की दुनिया में भी इन्होंने काफ़ी खिताबें जीती है। आप देख सकते हैं ये जो इनके घर में मेडल्स टंगे हैं, ये इनकी कामयाबी का वो चेहरा दिखाई दे रहा है जो इन्होंने विदेशों में भी जाकर अपने भारत का पत्रकारिता के नाम पर झंडा गाड़ने का काम किया है। जी हाँ, विदेशों में जाकर इन्होंने कराटे का भारत में झंडा गाड़ने का काम किया है। आज हम उनके निजी आवास यानी गोरखपुर पादरी में आ चुके हैं। और एक सबसे बड़ी मैं बात बता दूं कि ऐसे महान विभूति जो रामकोला विधानसभा क्षेत्र से एक प्रत्याशी के रूप में भाजपा पार्टी से दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से सन 2022 के होने वाले चुनाव में तैयारी कर रहे हैं, आज हम उनके निजी आवास में उपस्थित हो चुके हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे महान विभूति से हमारी और आपकी मुलाकात होने जा रही है और एक प्रत्याशी के रूप में रामकोला विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि किस मुद्दे और किस एजेंडे के साथ सन 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं रामकोला विधानसभा क्षेत्र में। तो हम आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हरिनाथ भाई जी, जो आप सभी को हमने बताया कि ये कैसे हैं, कितनी मेहनत इन्होंने किया और जिस क्षेत्र में इन्होंने अपने पैर को रखा उस क्षेत्र में इन्होंने बुलंदी हासिल किया। तो बहुत बहुत स्वागत सर, और धन्यवाद। चेयर ले लें। ले सकते हैं में और हमारी सौभाग्य की बात है कि आज आपसे मुलाकात हो रही है। और चूंकि सन 2022 की विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और आप एक प्रत्याशी के रूप में रामकोला विधानसभा क्षेत्र में दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं। देखिए, कभी भी प्रत्याशी की तैयारी से मैं ये आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे दर्शक को अपने मुख से अपना नाम बता दें, परिचय बता दें। मैं हरिनाथ भाई, सोनसा पट्टी गोसी, जो कभी रामकोला विधानसभा में था, अब दूसरे परिसीमन में या कुशीनगर विधानसभा में हो गया है, कसियां थाना पड़ता है कुशीनगर जिला, और 72 में ध्वज प्रणाम किया, द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित हूँ। सर, तैयारियां कैसी चल रही हैं आपकी विधानसभा की? देखिए, तैयारी कभी भी प्रत्याशी नहीं करता है जी। उसकी सोच करती है, दौड़ धूप से तैयारी नहीं होती है जी। पोस्टर लगाने से जी। 10 गाड़ियों को लेकर के घूमने से तैयारी नहीं होती है। जनता बुद्धिमान है जी। जनता देवता है, वो सब समझती है, आशीर्वाद भी देती है, श्राप भी देती है जी। सर, एक बात और जानना चाहेंगे कि आप, चूँकि हम आपके बारे में कुछ जाने भी पढ़े भी कि आप कराटा और फिर ये पत्रकारिता जगत में भी आपने नाम रोशन किया, फिर उसके बाद पत्रकारिता जगत को लेकर आप विदेशों में जाके झंडा गाड़ने का काम किया, भारत का नाम रोशन करने का काम किया, उसके बाद से फिल्मों की दुनिया में भी आप रहे, आकाशवाणी में भी रहे, आपको कई बार सम्मानित किया गया विदेशों में भी, तो सर ये अचानक राजनीतिक क्षेत्र में आना और क्या? देखिए, हमारी चार विधायक रही हैं, चारों विरोधाभासी। सबसे पहले राजनीति। मैं सन 1971 में ही अपने गांव के सोंसा मठिया, जो इंटर कॉलेज है, जनता इंटर कॉलेज सोंसा मठिया, वहां से राजनीति शुरू किया, छात्र राजनीति, और ऊंचे स्तर का छात्रों की मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन इस कदर हुआ कि 6 महीने तक
पूरी पीएससी की कैंप विद्यालय परिसर में लगी रही जी, और एक चर्चा का विषय रहा जी। मैंने उसमें आमरण अनशन का किया था, सारे अधिकारी आए थे, राजमल पांडे जी उस समय प्रदेश में मंत्री थे, उन्होंने आकर के अनशन तोड़वाया था और कहा था कि आपकी सारी मांगे बहुत अच्छी है, सब मानी जा रही है और मानी गई। वहाँ से मेरा राजनीति शुरू हुआ। 72 में जब हमारे मामा जी स्वर्गीय हरदेव प्रसाद इस दुनिया में नहीं है जी। वो धनहा विधानसभा जो बिहार में पड़ता है वहाँ से विधायक बने जी। जगन्नाथ मिश्रा मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री रहे जी। मैं वहाँ गया जी। पटना बिहार, और वहाँ कर्पूरी ठाकुर, जगन्नाथ मिश्रा, केदार पांडे, भीष्म नारायण सिंह, जगजीव राम जी, इन सारे लोगों को बीच में मामा नाना कहते हुए, चूँकि ननिहाल मेरा बिहार में ही पड़ता है, पश्चिम चंपारण के मधुबनी गाँव में जी, जी। तो असली राजनीतिक परिपक्वता लगभग वहाँ से आई। अब बहुत कुछ सीखने के बाद मुझे लगा कि अभी राजनीति में मैं कुछ नहीं सीखा, अभी बहुत कुछ सीखना है जी। अभी LKG का स्टूडेंट मैं हूँ जी। जी सर, हम बात करते हैं चुनाव पे, चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी के पूरे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और एक वर्तमान में रामकुला विधानसभा से विधानसभा की तैयारी भी कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं चुनाव पे। तो सर, हम जानना चाहेंगे आपसे, क्या भारतीय जनता पार्टी का इसको पहले से क्या रहा, बढ़ा है या फिर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसे थी वैसे चल रही है, सोच बीच में कुछ बदलती रहती है। रचनात्मक सोच लेकर ही जनसंघ की स्थापना हुई, रचनात्मक सोच को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, उसको लेकर के चल रही है जी। हाँ, ये जरूर है कि जब नाव का माझी नाविक होशियार होता है, तेज होता है, तो स्पीड बढ़ जाती है और तूफानों में भी वो नाव को बचा ले जाता है, अपने यात्रियों को बचा ले जाता है। तो ऐसे ही कुशल नाविक मिल गए हैं जी। अच्छा, योगी मोदी जी की जो जोड़ी है, जो इतिहास बन रहा है, विश्व देख रहा है जी, जी। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का राष्ट्रीय सोच को लेकर के, राष्ट्रीय देश की एकता अखंडता के लिए जो सोच को लेकर के जनसंघ बना, भारतीय जनता पार्टी बनी जी, जो हमारा कारवां चला उसी पर आज भी चल रहा है जी। देश का विकास जी, देश की एकता अखंडता जी, देश का हर दृष्टि से चातुर्मुख विकास जी, आज जी ऐतिहासिक सफलता हासिल किया इस क्षेत्र में। सर, हम बात करेंगे कि आप चूंकि स्वतंत्रता सेनानी, यानी कि अंग्रेजों के ज़माने में भी आपके नाना श्री मोहित खटी हुआ करते थे आपके, तो उनके ऊपर भी अंग्रेजों ने कुछ इनाम रखा था, जिंदा या मुर्दा, तो मैं जानना चाहूँगा आपके मुख से क्या था। देखिए, हमारे परिवार में काफ़ी लोग हैं जी जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े रहे जी, मेरे दादाजी भी जुड़े रहे, लेकिन रिकॉर्ड में नहीं आया। काफ़ी ऐसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनका कहीं रिकॉर्ड नहीं है जी। नाना जी का रिकॉर्ड है, जो उनके अंग्रेजों ने घर पस्त करा दिए थे, जिंदा मुर्दा। उस समय 50,000 रुपये जो इनाम रखा गया था, उसके पहले एक बार जब पकड़े थे वो जी, तो उनके सारे दांतों को तोड़ दिया था अंग्रेजों ने, ईंटा से मार मार करके जी, पत्थर मार मार करके जी, जी, आगे के 10 दांतों को तोड़ दिया था जी। समझौता कर लो, देश को आज़ाद करने की बात मत करो जी, अंग्रेजों की मुखबिरी करो, अंग्रेजों के साथ रहो जी। उन्होंने शर्त नहीं मानी, फरार हो गए और अपने अभियान में सफल रहे जी। बाद में उनके ऊपर जिंदा मुर्दा इनाम रखा गया और घर को पस्त करा करके वहाँ सरसों बो दिया गया था। तो मुझे गर्व है कि मैं ऐसे खानदान से, ऐसे हमारे पूर्वज रहे, मैं ऐसे परिवार से संबंधित हूँ जी। नेताजी, हम बात करते हैं चुनाव पे, तो आपकी भारतीय जनता पार्टी किस एजेंडे के साथ सन 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है? जब मोदी जी ने 2014 में शपथ ग्रहण किया था, उस समय कहा था कि हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी गरीब के लिए, गांव के लिए, किसान के लिए, बेरोजगार के लिए समर्पित रहेगी, समर्पित है, उसी रास्ते पर चल रही है और
गांव, गरीब, किसान, दलित, इन सारे लोगों के विकास का, देश का विकास हमारी प्राथमिकता है। हम उस रास्ते पर चल रहे थे, चल रहे हैं, उसी पर चलेंगे जी। आपका विधानसभा में चुनाव लड़ने का मुख्य एजेंडा क्या है? किस एजेंडे के साथ अपने विधानसभा में आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? मैं भाग्यशाली हूँ कि कई विधाओं से हमें समाज का सेवा करने का अवसर मिला, लेकिन सर्वाधिक अधिकार जब आदमी विधायक या सांसद बन जाता है उसके पास काफ़ी अधिकार होते हैं समाज सेवा के। सरकार का वो प्रतिनिधि हो जाता है। मैं अब सरकार का प्रतिनिधि एक विधायक के रूप में बन करके अपने रामकोला विधानसभा क्षेत्र की जनता का सेवा करना चाहता हूँ जी। जैसे कि बात करना चाहेंगे कि अभी आपके जनपद कुशीनगर में ओम प्रकाश राजभर जी आए हुए थे, उन्होंने व्यंग्यात्मक भाषण वक्ता करते हुए उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री और देश प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सबसे झूठा मुख्यमंत्री और सबसे झूठा प्रधानमंत्री उन्होंने भरे मंच पे बोलते हुए दिखे, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं संघ का हूँ, कराटे का हूँ, दोनों में सख्त अनुशासन चलता है और हम लोग एक अलग संस्कार होता है। ओम प्रकाश राजभर जी क्या बोलते हैं, अब उनके शब्दों को ही हम दोहराना नहीं चाहूँ, मेरे संस्कार में नहीं है। अभी आप वीडियो फुटेज देखे होंगे जी, इसके पहले पिछले विधानसभा चुनाव में सपा के बारे में जिन्होंने कहा था जी कि अगर कोई भी राजभर जी, कोई भी हमारे पार्टी का व्यक्ति अगर समाजवादी पार्टी को वोट देता है तो फला 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 फला, जो मैं नहीं कर सकता, वो मेरे संस्कार में है, जो मैं कहना चाहता हूँ आप समझ रहे हैं जी, 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 जी। और उसी पार्टी में आज चले गए, वो क्या हुए जी। तो मैं बात करूँगा विधानसभा पे नेताजी कि यदि आप भारतीय जनता पार्टी से रामकोला 335 अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलती है और आपको लोकप्रियता मिलती है और आप वहां से विधायक निर्वाचित होते हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने विधानसभा की जनता को विकास के क्षेत्र में क्या उपहार देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला काम मेरा होगा रामकोला और लक्ष्मीगंज की शुगर मिलों को चलवाना, पहली प्राथमिकता। फिर उसके बाद मैं देख रहा हूं कि हमारे विधानसभा में माननीय योगी जी के कार्यकाल में बहुत काम हुआ है, काफ़ी सड़कें बनी हैं, लेकिन अभी बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जो अधूरी रह गई हैं, नहीं बनी हैं, टूटी हैं। जितना अधूरा काम है वो सब मैं पूरा करूँगा, कराऊँगा। और हमारी जनता जनार्दन जो भी कहेगी, समस्या जो भी बताएगी, जो मुझसे हो सकेगा, मैं कुछ भी उसके लिए शेष नहीं रखूँगा। यथाशक्ति मैं अपने प्रातः स्मरणी जनता जनार्दन की सेवा करूंगा, उनके बीच में रहूंगा, उनका सुख दुख मेरा सुख दुख होगा जी। नेताजी, हम बात करेंगे आपकी पार्टी के प्रति समर्पित, यानी कि आप जनसंघ से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी के सेवा करते चले आए हैं और आप एक पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते रामकोला विधानसभा की सीट की मांग कर रहे हैं जी। ऐसे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी आपको रामकोला विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं देती है, सीट नहीं देती है, उस समय आपका पार्टी के प्रति क्या रुझान होगा? अरे कुछ नहीं, मैं भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, पार्टी मुझे लड़ाएगी, लड़ूंगा।